पानी से निकाल करके
अगर उसको एयर कंडीशन है रूम में रख लोगे ना, मछली को साफ निकलेगी। यद्यपि ये एयर कंडीशन है रूम में, लेकिन तभी उसको साफ नहीं मिलेगी, वो सूखी रहेगा, पानी नहीं। कहते उसी तरह जो जीव है वो तभी सुखी रहेगा जब ये जीव ठाकुर जी की शरण में रहे। इंग्लिश में कहते हो सुंदर होगा काम, फिर काम करते हो फिर के वो अभी तो आया था गया था उसको दुल्हन के लिए। इसलिए इसलिए कहते जो जीव है, कहते जीव कौन है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्ता। हम सबके सब भगवान की नित्य दास, भगवान का नित्य सेवक है। तभी हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगी जब ठाकुर जी की चरण की हम सेवा करेंगे, तभी हमें शांति और सुख मिल सकती है। जब तक ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति नहीं करेंगे, जगत का ऐसे कोई भी चीज नहीं जो हमें शांति और सुख जीवन में दे सकती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने, श्रील राधा रानी ने देखा, जब तक ये जीव मेरे भजन नहीं करेंगे, जब तक ये जीव मेरे भक्ति नहीं करेंगे ना, तब तक कभी जीवन में शांति सुख में रह नहीं सकते। इसलिए श्री राधा रानी कृपा करके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उन्होंने इस जगत में भेजते हैं। भेज करके बोले जाओ ये जीवों को मेरे उपदेश प्रदान करो, और जीवों को उठा करके कहां लाओ, मेरे चरणों में जीवों को लेकर दिया है। इसलिए प्रभुपाद इसी जगत में आकर के, अभी हम वहां जाएंगे कैसे, ठाकुर जी के चरण में अभी हम पहुंचेंगे कैसे, कैसे हम पहुंचेंगे अभी। तब उन्होंने अलग अलग समय पर भक्तों ने जब अलग अलग उन्होंने प्रश्न की, तब प्रभुपाद ने अलग अलग समय पर अलग अलग उत्तर दिया है। अभी उन्होंने क्या उत्तर दिया है, अगर इनकी उत्तर को सुनेंगे ना, फिर हम ठाकुर जी के पास में जा सकते हैं, ठाकुर के पास में जा सकते हैं। अभी आज हम सुनेंगे इन्होंने भक्त लोगों ने क्या क्या प्रश्न किया है, और इन्होंने अलग अलग समय पर उन्होंने क्या क्या उत्तर दिया है, आज हम किसी आज हम उसको भ्रमण करेंगे। ठीक है, गौर ब्रह्मानंदे। पहले और एक स्थान पर हमने ये ग्रंथ को कथा की थी, हमने ऑलरेडी कुछ कथा सुन चुके थे, उसको बाद से फिर हम सुनेंगे। ठीक है, कहते यहाँ पर इनका प्रश्न है, वास्तव रूप में शिष्य कौन है। हम सबके सब कहते हैं ना, हमारे गुरुदेव ये है, हमारे गुरुदेव ये है, हम उनकी चेले, कहते ना उनकी शिष्य है। इसलिए कहते क्या केवल गुरुदेव से माला कंठी तिलक लेने से, मंत्र लेने से क्या शिष्य बन जाएंगे। उन्होंने प्रश्न किया है वास्तव रूप में शिष्य वो नहीं होता। तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं कि कहते भगवान कृष्णचंद्र आमार मंगल जावतीय भार जार करे अर्पण करे छे, सेई गुरुदेवेर पाद पद्म यदि आमी पूर्ण शरणागत होते पारी तभी आमी प्रकृत शिष्य। कहते हम वास्तव शिष्य कब बनेंगे, कब बनेंगे। उनकी शिष्यों का ये धारणा होनी चाहिए कि जीवन में हमें जो गुरु मिले, शुद्ध संप्रदाय में जो गुरु मिले हैं, बोले किसकी इच्छा से गुरु मिले, ठाकुर की इच्छा से, ठाकुर की इच्छा से। इसलिए बोले ब्रह्मांड प्रभुते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। कहते ब्रह्मांड भ्रमण करते करते जान और अनजान में हमारी जो भक्ति उन्मुख सुकृति उदय होती है, तो ये भगवत इच्छा से ही हमें ये गुरु भागवत मिलते, अपना इच्छा से। इसलिए बोले गुरु कृष्ण प्रसादे, किसके प्रसाद में, बोले गुरु और एक कृष्ण प्रसाद में हमें ये भक्ति लता बीज का हमें प्राप्त होता है। बोले इसमें गुरु जी को पास में था, हमने मंत्र ग्रहण किया, फिर कृष्ण ने किया दिया, कृष्ण हमें क्या किया है। कहते गुरु चार तरह का, कितना तरह का है, क्या किया बोलो,
शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्र गुरु और इसलिए और एक है एक पद पर दस गुरु है, कभी चार तरह का गुरु है, इसलिए उसमें जो एक अंतर्यामी गुरु है जो चैत्र गुरु है जो हमारी हृदय में जो बैठे हुए हैं वो कौन है, ये कृष्ण है, ये स्वयं कृष्ण है, ये कृष्ण ही। अभी प्रश्न होता है ये हमने यहाँ पर क्यों आए, हम और भी तो कहीं जा सकते थे, फिर ये गौड़ी मठ में कैसे आए, अब ये गौड़ी मठ में आपको लाने वाले कौन है, उसमें ठाकुर जी, ठाकुर जी किसके पास ही आए, वो जहाँ ले जाते हैं ना अंतर्यामी गुरु, वो जहाँ ले जाते हैं हम वहीं पर जाते हैं, इसीलिए बोले कृष्णंग बंदे जगत गुरु, कृष्णंग बंदे जगत गुरु। इसलिए जो व्यक्ति ये गौड़ी मठ में आए ना, समझो ये करोड़ों करोड़ों जन्म का भाग्य से आए, साधारण व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकते। जगत में देखना, जगत में बहुत तरह तरह का गुरु है, तरह तरह का लोग अपना अपना मार्ग पकड़े हुए है, लेकिन देखना, लेकिन हमारे जो गौड़ी मठ में आए हैं इनको देखने से पता चलेगा भैया ये कुछ जरूर कर रहे हैं, इनके गले में कंठी होगी, तिलक धारण करेंगे, हरिनाम करते हैं, ठाकुर का सेवा पूजा करते हैं, और एक एक बड़े बड़े विद्वान है, सारे तत्वों की सुविधा कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरे दूसरे जगह से जो मंत्र लेते हैं, लेकिन वो सारे प्याज खाते हैं, कोई अंडा खाते हैं, उधर उल्टा पुलटा देवा देवियों को पूजा करती है, और उनका कोई निष्ठा, कोई निष्ठा नहीं। लेकिन गौड़ी मठ में जो लोग हैं एक निष्ठा है, एक अनिष्ट होकर किसको भजन करते हैं, राधा कृष्ण महाप्रभु को एक अनिष्ट होकर के भजन करते हैं, रोज हरिनाम करते हैं, ठाकुर जी की मंगला आरती करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, एकदम प्रॉपर रूप में ना साधन भजन प्रॉपर रूप में ये करते हैं, एकदम सही सही रूप में। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हमें क्या समझनी चाहिए, ठाकुर ने ही हमें कृपा करके ये मार्ग पर हमें, ठाकुर जी ने ही हमें लाया है, हम अपनी इच्छा से यहाँ पर नहीं आए, किसकी इच्छा से आए, ठाकुर जी ने हमें यहाँ पर लाए, क्योंकि हम सदगुरु को पहचान नहीं सकते। कोई अगर बोले नहीं हाँ हम तो अपना बुद्धि विवेक से हम सदगुरु को पहचान जाए, नहीं। इसलिए जिस समय श्री लक्ष्मण जी का शक्तिशाली हो गया ना, और सुषेण वैद्य ने कहा देखो लक्ष्मण का प्राण तो आ सकता है, लेकिन एक उपाय, एक राधा रात अगर यहाँ से, पहले तो उन्होंने बताया एक राधा रात गंधमार्दन पर्वत से अगर विसल करने कोई ला सकते हैं, इसलिए जड़ी बूटी कोई ला सकता है ना, फिर तो बचने का कोई उपाय। हनुमान जी ने कहा कि सेवकों पर विश्वास करो, आज हनुमान जी घरे गए, अगर मैं नहीं ला पाऊंगा ना आपका चरण में, आपको मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन वो जो जा रहे थे बीच में कौन आ गया, काल ने किया, साधु रूप धारण करते हुए हनुमान ने क्या सोचा, तो कोई मेरे गुरु भाई उतर करके आ गए, उतर करके आ गए गुरु भाई मार करके, लेकिन बाद में क्या निकला, उसने राक्षस दैत्य निकला, लेकिन ऊपर से क्या वेश धारण किया था। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, यहाँ पर हनुमान भी स्वयं भ्रमित हो गए, हनुमान स्वयं भ्रमित हो गए, फिर हम तो साधारण जीव, हम साधारण जीव। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं अगर ठाकुर जी अगर हमें कृपा करके अगर सही सही जगह पर नहीं ले जाएगी ना, हम अपने आप इच्छा से नहीं जा सकते। इसलिए हमारे भारत में देखो जो जिनकी करोड़ों करोड़ों शिष्य है अभी वो सब जेल में बैठे, वो सारे सारे जेल में बैठे हुए हैं। इसलिए जब तक ठाकुर का कृपा नहीं होगा तब तक हम किसी शुद्ध साधु के पास में हम जा नहीं सकते हैं, तो ठाकुर को कृपा से ही हम जा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं तो हमारे को कहते ना वास्तव रूप में शिष्य कौन है, वास्तव रूप में शिष्य वही है जो सदगुरु के चरण में संपूर्ण रूप में जो शरणागत हो गए हैं, जो जितना शरणागत हुए हैं वो उतना ही शिष्य है। अगर केवल तिलक कंठी माला लेंगे, गुरु जी एक बोलते हैं और हम और एक दूसरा काम करते हैं,
गुरु जी बोलते हैं एक अंश करते हैं दूसरे छूटते, तो फिर शिष्य कैसे हो? शिष्य मतलब होता है गुरु जी की शासन को जो स्वीकार करते हैं, गुरु जी की शासन को जो स्वीकार करते हैं कहते उनको शिष्य कहलाते हैं। इसलिए कहते गुरुदेव अमार मंगल जन्म जे व्यवस्था करे ताहा नतस्रे ग्रहण कराई अमार कर्तव्य, यही प्रतीत शिष्य विचार नतवा अमंगल अनिवार्य। यहाँ पर कहते गुरुदेव हमारी नित्य मंगल के लिए जो व्यवस्था करते हैं उसको क्या करनी चाहिए, कहते उसका सर को नीचा करके गुरु जी के आदेश को हमें पालन करनी चाहिए है? अगर गुरु जी के आदेश को हम पालन नहीं करेंगे तो हमारे कल्याण ना प्रकट होगा। इसलिए हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रील पावन गोस्वामी हमारे संप्रदाय में पावन गोस्वामी नाम सुने कि नहीं, ये कभी कभी शिष्यों को कभी कभी डायरेक्ट उपदेश नहीं देते कभी भैया अगर ये करोगे तो अच्छा होगा, अगर तुम ये कर सकते हो तो बढ़िया होगी, वो डायरेक्ट आदेश नहीं देते। तो एक दिन पूछा गुरुदेव आप शिष्यों को डायरेक्ट आदेश क्यों नहीं देते? तो देखो अगर मैं गुरु है ना, अगर इनको डायरेक्ट आदेश दूँ ये काम को करो, अगर वो काम को वो नहीं करेगा ना फिर उसका मंगल है, उसकी अमंगल है। हम इसका अमंगल नहीं चाहते हैं, हम उसका मंगल हम चाहते हैं। इसलिए वो कभी कभी डायरेक्ट आदेश नहीं देते, डायरेक्ट आदेश नहीं देते। इसलिए कहते तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा जब तक तो गुरु जी का आदेश को पालन नहीं करेंगे। इसलिए गुरु जी जो आदेश दे उसका सर नीचा करके नतमस्तक होकर के आदेश को हमें पालन करनी चाहिए। कहते जिनी भोगी ना है इंद्रिय द्वारा विषय भोग ना करे गुरुवानुगत्य सतत भगवत सेवा करे तिनी प्रकृत शिष्य। कहते वास्तव शिष्य कौन है? कहते वास्तव शिष्य कौन है? बोले वास्तव शिष्य वो है जो कभी भोग नहीं करते, जो कभी भोग नहीं करते, जो हर समय सेवा करते हैं, हर समय वो सेवा करते हैं, कभी भोग नहीं करते। भोग जिसको अपना इंद्रिय तृप्ति कहते हैं, लेकिन कहते जो वास्तव शिष्य वो क्या करते हैं, हर समय ठाकुर जी कैसे प्रसन्न हो, वैष्णव लोग कैसे प्रसन्न हो, गुरु जी कैसे प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता के लिए सारे काम करते हैं, इनकी खुश के लिए ये सारे काम करते हैं, अपना भोग के लिए कुछ भी नहीं करते। हर समय गुरु वैष्णव भगवान की इंद्रिय सुख के लिए ये काम करते हैं। इसलिए इंद्रिय का विषय भोग करें गुरुवानुगत सतत भगवत सेवा करें तेरी प्रगत शिष्य। इसलिए गुरु जी की अनुगत्य में रह करके हर समय क्या करते हैं, कहते हैं हर समय भगवत सेवा के लिए जो सतत कोशिश करते हैं, कहते वास्तव रूप में वही शिष्य। शिष्य मतलब जो गुरु जी की शासन को जो स्वीकार करते हैं उनको शिष्य कहते हैं। कहते ये जगत है सब गुरु से पार उपकरण, कहते कि जो वास्तव जो शिष्य है उसका भावना क्या रहता है, उसका भावना ये रहता है कहते जगत में हम जो कुछ देख रहे हैं ना वो सारे वस्तु किसके लिए है, कहते गुरु जी की सेवा के लिए, गुरु जी की सब कुछ गुरु जी की सेवा के लिए है। सब कृष्ण सेवा वस्तु, अभी गुरु जी क्या करते हैं शिष्य तो समझेगा है? इसके शिष्य समझेगा सब जितना वस्तु है गुरु जी की सेवा की वस्तु है, लेकिन एक गुरु जी क्या करता है, गुरु जी का क्या कर्तव्य है? गुरु जी ये सोचते हैं मेरी सेवा की विषय वस्तु मतलब है केवल हम ही क्या भोग करेंगे, नहीं है हम ही भोग नहीं करेंगे, ये जितनी सारी वस्तु कृष्ण की सेवा में जाएगी, कृष्ण की सेवा में लगाएगी। इसलिए हम गुरुवाष्टक में भजन गाते हैं ना, क्या गाते हैं, शिविक्र आरा सजार तजनी शिविक्र आरा धन कृष्ण नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना तो युक्तस्य भक्तास्य नियुज्यतोऽपि वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दः। कहते गुरु जी का काम क्या है, बोले सदा रतजिनी विग्रह सेवने, हर समय क्या करते हैं ठाकुर का सेवा करते हैं, ठाकुर का नाम करते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं, और उनकी अनुगत में जो आए जी व्यक्ति
उनको क्या कराते हैं? कहते क्या एक संप्रदाय है ना, जय गुरुदेव, क्या संप्रदाय? जय गुरुदेव। लेकिन उनको मंदिर में कोई ठाकुर भाकुर नहीं, उनके मंदिर में कोई ठाकुर भाकुर नहीं, उनके मंदिर में हंस केवल गुरु जी की पूजा। एक श्लोक है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन ये जो श्लोक है ये तो शास्त्र का श्लोक है, लेकिन ये श्लोक को लोग उल्टा रूप में ले जाए है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही वैष्णव गुरु ही महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु कौन है? ये साक्षात परब्रह्म है, हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर गुरु जी तुम्हारी ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ गए? ये सब कहे जाए कहाँ है? इनकी क्या गति होगी गुरु अगर सब कुछ हो गया तो? नहीं, इसलिए शास्त्र में गुरु जी को ब्रह्मा बताया। ब्रह्मा का काम क्या है? तो ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि करना। गुरु जी भी हमें हमारे हृदय में भक्ति लता रूपी जो बीज को बोते है ना, कहते यही सृष्टि का काम। दूसरा काम क्या है? कहते की इनके काम है शंकर जी का काम। शंकर जी क्या करते हैं? संहार करते हैं। इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं? अगर कभी हम उल्टा पुलटा रास्ता में चले गुरुदेव हमें शासन करते हैं, कहते नहीं ये चीज गलत चीज है, ये काम को नहीं करना, ये काम को नहीं करना, गलत काम से उनको बचाते हैं। इसलिए जैसे शंकर संहार करते हैं, हमारे हृदय में जो अनर्थ है जो अपराध है ये चीज को नष्ट करते हैं। कहते गुरु जी, कहते विष्णु, विष्णु का क्या काम है? जगत का पालन करना। गुरुदेव हमें क्या पालन करते हैं? हम तो गुरु जी को उल्टा घर में बुला करके प्रसाद खिलाते हैं, हम तो प्रणाम देते हैं गुरु जी को, गुरु जी हमें क्या करते हैं? नहीं, जैसे कि पौधा तो लगाया लेकिन कुदरत पानी नहीं देंगे ना, फिर वो पौधा बढ़ेगी नहीं, वो लता नहीं पड़ेगी। फिर उसी तरह गुरुदेव हमें कथा सुना सुना करके ये है, ये लता में हमें पानी जो देते हैं, मतलब जो हमें कथा सुनाते हैं, हमें भक्ति मार्ग में हमें जो चलाते हैं। इसलिए गुरु जी का क्या क्या काम करते हैं? विष्णु का काम गुरुदेव करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भैया हर चीज तो गुरु सेवा की वस्तु है, लेकिन गुरुदेव फिर क्या करते हैं? गुरुदेव का भोग करते सारी वस्तु को? बोले नहीं, गुरुदेव हर वस्तुओं को कृष्ण सेवा की वस्तु मानते हैं। शिष्य मानेगा ये सब के सब गुरु सेवा की वस्तु, लेकिन गुरुदेव क्या मानेंगे? ये सारे के सारे वस्तु केवल कृष्ण सेवा के लिए, हमारी सेवा के लिए नहीं। 24 घंटा जो कुछ भजन करेंगे और उनकी आयु में अनुगत जन भी जो भगवान की भजन में हर समय उनको लगाएंगे, कहते ये गुरु जी का काम है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना गुरुदेव कौन है? बल अखंड बलदेव तत्व, अखंड नित्यानंद तत्व है। तो प्रभुपाद कहते हैं भैया कौन सा सब गुरु क्या नित्यानंद अभिन्न बलदेव अभिन्न? प्रभुपाद कहते नहीं, सब नहीं, वही केवल बलदेव अभिन्न नित्यानंद अभिन्न उनका आदर्श को जो अपना जीवन में उतारते हैं। कहते उनका आदर्श क्या है? बलदेव प्रभु कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? हर समय कृष्ण सेवा करते हैं। वो कृष्ण से अभिन्न होते हुए भी है कहते पंच रसों से शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, हर रसों से कृष्ण सेवा करते हैं और तस शरीर से ठाकुर को सेवा करते हैं, है? तस शरीर से ठाकुर को सेवा, कहते वही वास्तव रूप में गुरुदेव है जो हर समय स्वयं ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं और उनका अनुगत जन को भी ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं, हाँ लगाते हैं। इसलिए कृष्ण सेवा वस्तु गुरु सेवा उपकरण भोग बुद्धि मंगल हरण। देखो प्रभुपाद कहते हैं हर चीज क्या है? गुरु जी की सेवा की वस्तु हर चीज। अगर शिष्य होकर के गुरु जी की सेवा की वस्तु में अगर भोग बुद्धि करें तो गुरु जी क्या करेंगे? गुरु जी क्या करेंगे? हम तो भोग तो हम ही करेंगे। हाँ गुरु जी क्या करें गुप्त हम सब चीज तो, हाँ गुरु जी के पास में जो है हमारी भोग का कुछ भी नहीं। हर वस्तु गुरु जी की सेवा की वस्तु का अपन में भोग नहीं करनी चाहिए। हाँ देखो एक समय
गुरु जी ने एक चेले को 4 रुपया दिए। कितना रुपया दिए? 4। कितना दिए? 4। बोले बेटा हमने सुना है बहुत बढ़िया रसगुल्ला है, चाहो तो उस समय एक एक रसगुल्ला का कीमत 1 रुपया था। बोले 4 रसगुल्ला ले आना, हमने सुना बहुत बढ़िया रसगुल्ला। बोले देख बेटा देख करके आना, ऐसे नहीं बासी रसगुल्ला तो ले देख करके आना। अभी 4 रुपया लेकर गया, उसने सोचा गुरुदेव बोले देख करके लाना, जब तुम नहीं खाएंगे पता कैसे चलेगा ये रसगुल्ला बढ़िया। उन्होंने 1 रुपया दिया और उस समय कितने बड़े बड़े रसगुल्ला, और एक रसगुल्ला खाया बोलवा एकदम ताजी बढ़िया रसगुल्ला, पहले एक खा लिया। फिर उन्होंने 3 रुपया में 3 रसगुल्ला खरीद दिया। बोले देखो गुरुदेव तो मेरे शत्रु नहीं मित्र है, जो जो 3 है ये बेजोड़ा है, इसलिए गुरुदेव को ये बेजोड़ा रसगुल्ला कैसे दे, 3 अमंगल है इसलिए 3 नहीं देनी चाहिए। उसने और एक खा, अभी कितना बच गया? 2। तो अभी वो सोच रहा है जब कोई वस्तु आप गुरु जी सेवा के लिए ले जाता हो गुरुदेव तो मेरे को दिए बगैर कभी खाते ही, हर समय गुरुदेव मन देते हैं प्रसाद, इसलिए गुरुदेव को इतना कष्ट करने का क्या जरूरत है। उसने खुद खा लिया उसको, अब बच गया कितना? 1। जब उसने 1 रसगुल्ला लाए गुरु जी ने कहा बेटा तेरे को मैं 4 रुपया दिया 4 रसगुल्ला के लिए, 1 कैसे? बोले गुरु जी आपने बताया था ना है? आपने देख करके लाना बेटा बढ़िया होनी चाहिए, आज जब तक नहीं खाऊंगा पता नहीं चलेगा ये बढ़िया है, इसलिए मैंने 1 पहले खाया देखा अच्छा कि नहीं। बोले फिर 3 क्या किया? बोले गुरुदेव आप तो मेरे मित्र, आप थोड़ी मेरे शत्रु हैं, इसको बेजोड़ा कैसे दूं, ये तो ठीक नहीं, इसलिए मैंने 1 खा लिया। फिर और 2 कहा दिया? बोले गुरुदेव जो चीज में लाता हूँ आप तो जरूर मेरे को देते हो, मैंने देखा आप इतना कष्ट कर रहे हो मैं खुद खा लेता। बोले कैसे तुमने खा लिया तीनों तीनों? देखो जो हर चीज है ना, हर चीज ये ठाकुर जी की सेवा की विषय है, वो गुरुदेव की ये भोग का विषय है, इसलिए गुरु जी की किसी वस्तु का प्रति हमारी भोग बुद्धि नहीं रहती चाहिए, ये समझनी चाहिए। हर चीज गुरु जी की सेवा की वस्तु है, और गुरु जी क्या करते हैं वही गुरुदेव गुरुदेव है जो हर चीज को ठाकुर जी की सेवा के विषय समझते, ये हर चीज ठाकुर जी की सेवा के विषय, कोई चीज हमारी भोग का विषय नहीं। इसलिए मठ में ना जो मठ में है जो ब्रह्मचारियों को भी सावधान रहनी चाहिए, ये ब्रह्मचारी को सावधान रहनी चाहिए, जो चीज मंदिर में कोई व्यक्ति देते हैं उसका प्रति कभी भी भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए है, कभी भी भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। देखो एक सही घटना है, ये नंदगांव में कोई साधु रहता था, वो साधु रहता था, एक कुत्ता रोज आता था उसको रोटी देता था। अभी क्या हुआ कुछ दिन के लिए वो साधु चला गया किसी काम से बाहर, अभी वो रोज कुत्ता को रोटी देता था, अभी कुत्ता कुछ दिन से उसको रोटी नहीं मिल रहा है, बड़ा भूखा है। साधु जब कुछ दिन बाद में आया वो कुत्ता बड़ा भूखा है, रोज रोटी देता था वही। एक दिन साधु ने देखा कोई दरवाजा पर बैठ करके वो कहता है भैया मैं भूखा हूँ मेरे को रोटी दो, मैं भूखा हूँ मेरे को रोटी दो, तुम कहाँ चला गया मेरे को रोटी नहीं मिलता है। उसने दरवाजा खोला देखा वहां पर कोई है, लेकिन देखा वहां पर एक कुत्ता बैठा है। उसने भैया इंसान से कौन बात करता है, फिर दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद में फिर कुत्ता ने फिर बोला मेरे को बड़ी भूख लग रहा है मेरे को रोटी दो, फिर उसने दरवाजा खोला देखा कोई नहीं कुत्ता बैठा है। उसने भैया इंसान से कौन बात कर रहा है, फिर उसने दरवाजा बंद किया, फिर देखा फिर बोल रहा है, हटा उसने दरवाजा खोल कर देखा कुत्ता बोल रहा है, वो कुत्ता बोल रहा है। इतने में साधु ने कहा भैया क्या बात है, तू इंसान जैसे बात करता हूँ क्या बात है? वो क्या कहता है, बोले मैं पहले जन्म में मैंने मंदिर का पुजारी था महंत था, और ठाकुर जी की सेवा में जो वस्तु आती थी ठाकुर की सेवा में उसको प्रति मेरे भोग बुद्धि हुई है, उसको प्रति मेरी भोग बुद्धि, जो ठाकुर को सेवा में जो वस्तु आती थी उसको प्रति मेरी
और उसको मैंने ठाकुर को सेवा में नहीं लगा करके हमने उसको हमने विषय भोग में लगा दिया, इसलिए किसी जीवन में हमें कुत्ता बनना पड़ा, अभी हमें कुत्ता बनना पड़ा। इसलिए एक और एक साधु सुनाते थे, किसने ठाकुर जी की सेवा के लिए ना राधा रानी के नथ बनाया, राधा नाक में सोने के उसने नथ बनाया, उसने दिया राधा रानी को पहनाने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, असली राधा रानी को नहीं पहना कर नकली राधा रानी अपना राधा रानी को पहना दिया, समझ रहे हो, उसने असली राधा रानी को दिया तो, और राधा रानी के लिए उसने किया कि एक इमिटेशन एक साधारण जो मिलता है ना बाजार में उसको लगा दिया तो राधा रानी को, और अपना जो राधा रानी पत्नी थी उसने करा दिया अपना बीवी, दूसरे जीवन में वो प्रेम जन्म में गया, वो प्रेम जन्म में गया है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जो मंदिर में ठाकुर जी की सेवा के लिए जो वस्तु आते है, इसलिए कभी भी उसका प्रति भोग होती हमारे नहीं होनी चाहिए, ये सब ठाकुर जी की सेवा के लिए है। इसलिए गुरुदेव कहते थे उसमें जो एक मान को एक रुपया चढ़ाया नहीं तो 5 रुपया चढ़ाया, आप देते होंगे पैसा चढ़ाते समय कैसे चढ़ाते, ऐसे ऐसे करके चढ़ाते, मतलब क्या है, कहते ठाकुर जी हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, ठाकुर जी पत्नी बड़ी बीमारी है, ठाकुर जी बच्चे का नौकरी लग नहीं रहा, ठाकुर जी संसार में हमें ये परेशानी है, बोलते हैं ना बोल करके वो पैसा घुमा घुमा करके फिर वो पैसा देते हैं, वो पैसा नहीं गुरुदेव के वो जहर है, वो बीस है, वो चीज को तुम भोग नहीं कर सकते हो, अगर सचमुच से अगर ये ठाकुर को सेवा में लगा तो इनके कल्याण कौन कर सकता है, ठाकुर ही कर सकते, हम नहीं कर सकते। इसलिए हर वस्तु जो कहते वही सतगुरु है जो हर वस्तु को जो कभी अपना भोग में नहीं लगाते, क्या करते हैं हर समय जिस चीज को ठाकुर जी की सेवा में जो लगानी चाहिए, कहते ये गुरु जी का ये गुरु जी का काम है। इसलिए कहते सभी कृष्ण सेवा वस्तु गुरु सेवा उपकरण भोग बुद्धि वाले मंगल हवे ना, प्रत्येक वस्तु गुरु दर्शन ना हले अमंगल अनिवार्य, कहते हर वस्तु में हमारी क्या दृष्टि होनी चाहिए, गुरु दर्शन क्या होनी चाहिए, हर चीज किसकी सेवा के लिए, ये सब के सब श्री गुरु जी की सेवा के लिए है। प्रकृत शिष्य यह मर्म मर्मे अनुभव करे सतत कृष्ण सेवा में जीवन करे, कहते वास्तव रूप में जो शिष्य है यह चीज को वो मर्म मर्मे मतलब इसको अपना मर्म में अंदर में है ये चीज को अनुभूति करनी चाहिए, गुरु सेवा ही जीवन का मूल है। गुरु सेवा मतलब गुरु जी क्या चाहते हैं, उनका क्या इच्छा है, शुद्ध रूप में भजन करो और दूसरों को भी भजन में लगाओ, ठाकुर का सेवा पूजा करो, यही गुरु जी की यही इच्छा है। प्रकृत शिष्य अंतर बाहर गुरु दर्शन करे, जो वास्तव जो शिष्य है वो क्या करता है, अंदर में भी गुरु दर्शन और बाहर में भी गुरु दर्शन, सब समय अपना गुरु जी को ही हर समय वो दर्शन करता है। शिष्य निज के लघु जाने ले हो तारण लघु दर्शन वा भोग दर्शन नहीं, यहाँ पर एक जो शिष्य है शिष्य का क्या भावना है, हम कौन है, हम लघु हम छोटे हैं, हम छोटे हैं, इसलिए लघु जानी लो ताहर लघु दर्शन भोग दर्शन नहीं, लेकिन शिष्य तो समझता है मैं छोटा हूँ, सब चीज कृष्ण का विषय कृष्ण की सेवा की वस्तु है, लेकिन इसी भावना जो करता है वही सचमुच से बड़े है, जो हर चीज को ठाकुर जी की सेवा की भावना जो रखते हैं, गुरु छड़ा के जगते आमार अपना बोलते आर क्यों नाई, इसलिए कहते वास्तव शिष्य कौन है, जिनके अंदर में ये भावना है गुरु को छोड़ करके जगत में इनके सिवाय जगत में हमारा और कोई है नहीं, अगर हमारी कोई मंगल कोई सोचने वाले कौन है, केवल श्री गुरुपाद पद, इनके सिवाय जगत में हमारा और कोई ना है, यही सुबुद्धि निष्कपट शिष्य थाके, कहते ये जो बुद्धि है कहते एक साथ शिष्य का हृदय में यही भावना हर समय
उसके हृदय में रहते हैं। प्रकृत शिष्य गुरुदास अभिमाने प्रतिष्ठित एवं गुरुदेव ईश्वर बुद्धि विशिष्ट। जो वास्तव जो शिष्य है इनकी गुरु जी का प्रति क्या भावना होनी चाहिए, चैतन्य चरितमृत में बताया यद्यपि अमर गुरु चैतन्य दास ताहते आमी जानी कृष्ण का प्रकाश। कहते गुरुदेव कौन है, कहते जगत में केवल ईश्वर एक है, कौन है, कृष्ण। एक चैतन्य महाप्रभु एक ईश्वर है, इनके सिवाय जगत में सब उनका दास है। सब ईश्वर कौन है, जगन्नाथ कृष्ण है। और जगत में को और जीव कौन है, सबके सब भगवान की दास है। साक्षात बलदेव प्रभु कृष्ण से अभिन्न, वो भी क्या काम करते हैं, वो भी ठाकुर जी सेवाई करते हैं, ठाकुर जी की सेवाई करते हैं। सुभद्रा भी क्या करती है, वो भी योग माया रूप में कृष्ण की सेवा करती है। सुदर्शन क्या करते हैं, हर समय सुदर्शन है, वो भी ठाकुर का सेवा करते हैं। राधा रानी दिन भर क्या करती है, कृष्ण की सेवा करती है। इसलिए अकेला ईश्वर कृष्ण आ सब दास, केवल ईश्वर कृष्ण केवल सबके सब उसका दास है। इसलिए उसी दृष्टिकोण से हमारे गुरुदेव कौन हो गए, वो भी कृष्ण का दास हो, कृष्ण का दास हो। कहते लेकिन एक शिष्य अपना गुरु जी को क्या समझेगा, गुरुदेव सब दास है लेकिन एक शिष्य अपना गुरु जी को क्या समझेगा, हमें जानी तहार प्रकाश। लेकिन एक शिष्य समझेगा तो गुरुदेव भगवान की ये प्रकाश विग्रह है, कृष्ण ही स्वयं हमारी कल्याण करने के लिए है। ठाकुर जी को जो कृपा ही एक जो एक मूर्ति रूप धारण किया, ये कौन है, श्री गुरुपाद। ठाकुर का कृपा ही ये गुरु रूप में जगत में आए। तब शिष्य का ये कर्तव्य अपना गुरु जी के प्रति रहनी चाहिए। जगत है ईश्वर बुद्धि विशिष्ट, गुरुदेव तार प्रगाढ़ विश्वास और सहज प्रीति। इसलिए गुरु जी के ऊपर भी क्या करनी चाहिए, प्रगाढ़ विश्वास और प्रीति होनी चाहिए। इसलिए बोले तीन तरह का शिष्य है, कितना तरह का, तीन, क्या क्या, उत्तम मध्यम कनिष्ठ और मध्यम, चार तरह। इसलिए कहते उत्तम सेवक कौन है, बोले उत्तम सेवक वो है जो गुरु जी नहीं चाहने पर भी जो सेवा करे, जो गुरु जी नहीं चाहने पर भी जो उनकी सेवा करे। कैसे, गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे पति बाहर जा रहा है, ठंडा का समय पति बाहर जा रहा है, पत्नी कह रहा है देखो ठंडा पड़ रहा है, साथ में साल लेना और काम में जा रहे हैं दूर में, हैं कहीं अगर भूख लग गया तो टिफिन में रोटी सब्जी दे देता हूँ उसको लेकर के जाओ। पति कहता है जरूरत नहीं, अभी जाऊंगा, अभी आ जाऊंगा, थोड़ी समय के लिए तो जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा देखो अगर लेट हो जाएगा तो फिर क्या खाओगे, रास्ता कहाँ से खाना मिलेगा, अब बाहर ठंडक पड़ रहा है, एक साल में ले जाओ। पति मना करता है लेकिन पत्नी क्या करती है, जोर जबरदस्ती उसको टिफिन में बढ़िया रोटी सब्जी गरम गरम घी लगा करके बढ़िया सब्जी और साल उसको पैकिंग करके दे देता। लेकिन पति तो मना कर रहा है लेकिन पत्नी ने जोर जबरदस्ती दिया। आप बताओ ये पति खुश होगा ना दुख होगा, क्यों, वो तो मना कर रहा है, वो तो मना कर रहा है, वो तो मना कर रहा है ना। इसलिए वो मना करने पर भी पत्नी क्या करती, उसको प्रेम करता है ना, उसको प्रेम करती, इसलिए उसको पति खुश हो जाएगा, देखो मेरी पत्नी कितने अच्छी, मेरे कितने ध्यान है ना, खुश हो जाएगा मेरे कितने ये ध्यान देती। कहते गुरुदेव कहते थे उत्तम सेवक है, और कहते मध्यम सेवक कौन है, कहते इनकी इच्छा को जान करते, जैसे भारत जी, भारत कहते उत्तम सेवक है, इनकी इच्छा जान करके जब भगवान राम ने भरत जी को बोले देख भरत, एक दिन कई गई ने राम को बोले राम एक काम करोगे, बोले बताओ माँ, बोले एक बार मेरे भरत को बोल दो मेरे को एक बार माँ बोल दे, बस ये माँ है, ये कभी मेरे को ये माँ नहीं बोलता है, महारानी कई गई था। इसलिए हर माँ की हृदय तरसती है बेटा हमें माँ बोले, बेटा हमें माँ बोले। इसलिए एक बार उसकी मुंह से तो बोले माँ सुन करके ना मैं अपना शरीर त्याग सकूं, एक बार भरत को बोलना मेरे को माँ बोल दे,
इतने में एक दिन राम ने भरत जी को बुला कर कहा जी एक आदेश मेरा पालन करोगे। भरत बोले प्रभु अभी तक आप कभी मेरे को आदेश नहीं दिए, आप आदेश देने से पहले आपकी मन की भावना समझ करके मैं सारी सेवा कर लेता। जीवन में पहला बार आप मेरे को आदेश दे रहे हो, पहला बार आदेश दे रहे। बोले प्रभु जी लेकिन आपका सारे आदेश तो पालन करूंगा लेकिन एक आदेश प्रभु जी पालन नहीं कर सकता। बोले कौन सा आदेश? बोले कैकेयी की महारानी कैकेयी को कभी मैं मां नहीं बोल सकता, मैं मां नहीं बोल सकता क्योंकि जिन्होंने भगवान राम को जिसने वनवास दे दिया मैं ऐसे को कभी मां नहीं बोल सकता। इसलिए इनको कहते हैं ये मध्यम सेवक है, कहते जो प्रभु की इच्छा जान करके पहले से कर ले। कहते ये कनिष्ठ सेवक है। बोले कनिष्ठ सेवक किसको कहते हैं? बोले गुरु जी आदेश देने पर जो नतमस्तक होकर के सर झुका करके गुरु जी के आदेश को जो श्रद्धा पूर्वक जो पालन करे ये कौन है? बोले कहते हो गए कनिष्ठ सेवक। बोले अथव सेवक कौन है? बोले गुरु जी आदेश देने पर भी है, आदेश देने पर भी बोले के भौरा होता है, भौरा जानते हो? भौरा देखा जैसे गुन 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 करता है। गुरु जी ने बोला देखा बेटा जाओ वो व्यक्ति को एक खबर दे करके आओ। बोले गुरु जी अगर गए तो वो मिला नहीं तो फिर क्या? वो मिला नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा ना है? और एक होता है पान, पान मतलब जो तीन होता है ना तीन मारते। गुरु जी कुछ आदत बेटा ये काम करना, अभी गुरु जी बोले ही नहीं बस भागते हुए गए। अभी गुरु जी की मुंह से निकले नहीं क्या करना क्यों जाना लेकिन भागते हुए क्या लेकिन फड़के हुए जाकर के सोचा गुरु जी का तो पूरा बात हमने सुना ही नहीं फिर वापस आया है। उसको कहते ये बाण है, कहते ये बाण है। इसलिए गुरुदेव कहते थे से बह का सेवक मतलब जो गुरु जी के आदेश में पर भी जिसको उल्लंघन करता है कहते से को हटा दो क्या रह जाएगा? बग मतलब होता है बगला, बग मतलब होता है बगला है। इसलिए इसलिए प्रभुपाद कहते गुरु से जार प्रगाढ़ विश्वास सहज प्रीति है, कहते वही बात में शिष्य है। बोले प्रकृत शिष्य गुरु के परमात्म्य रूपे अब कृष्ण प्रेष्ठ रूपे प्रत्यास्पद रूपे नित्य प्रभु नित्य सेव्य एवं जीवन में सर्वस्व बोले जाने। कहते जो वास्तव शिष्य है वो गुरु जी को क्या मानता है? मेरे गुरु जी कौन है? कहते ये परम आत्मीय मतलब अपना जीवन का परम आत्म आत्म समझता अपना डिसीजन है। अगर जगत में अपना बोल कर कोई जगत में है तो कौन है? श्री गुरु जी। कहते कृष्ण प्रेष्ट रूपे गुरुदेव कौन है? बोले कृष्ण के ये अत्यंत अत्यंत ये प्रिय श्री गुरु जी। बोले प्रत्यास्पद रूपे है अगर किसको प्रीति करना किसको प्रेम करना तो किसको करनी चाहिए? बोले श्री गुरु जी को करनी चाहिए। नित्य प्रभु रूपे गुरुदेव कौन है? हमारे हर समय ये हमारी प्रभु जी है। और नित्य सेव्य रूपे गुरु जी कौन है? अपना नित्य सेव्य है। सेवा करनी चाहिए तो किसको करनी चाहिए? श्री गुरु जी को करनी चाहिए। बोले जीवन में सर्वस्व बोले जाने कहते हमारे जीवन का अगर सब कुछ हो तो कौन है? श्री गुरु पादपद। शिष्य जान लीजिए गुरुदेव जुगपद भक्ति विग्रह और भगवत विग्रह। कहते शिष्य गुरु जी को किस रूप में सोचे ये गुरुदेव कौन है? कहते उनको दो रूप में समझे, उनको दो रूप में समझे। बोले दो रूप क्या गुरु जी है? बोले पहला है कहते जुगपद भक्ति विग्रह, गुरुदेव ये भक्ति का विग्रह भी है और ये भगवत विग्रह भी है। ये भक्त भक्त स्वरूप भी है, गुरुदेव भगवान के सबसे प्यारे भक्त भी है और ये भी भगवत स्वरूप है। कहते गुरुदेव कृष्ण प्राण अपेक्षा प्रिय ता अभिन्न मूर्ति प्रकाश विग्रह। बोले गुरुपाद पद्म कौन है? कृष्ण के प्राण अपेक्षा प्रिय प्राण से भी ज्यादा प्रिय कौन है? वैसे गुरु जी कृष्ण का जो अभिन्न प्रकाश ही श्री गुरुपाद पद्म। गुरुपाद पद्म दास्य व्यतीत कृष्ण दास्य लाभ स्वभाव नहीं।
कि जब तक गुरु पाद पद्म की हम दासोत नहीं करें, उनके आदेश को पालन नहीं करें, तो ठाकुर जी का सेवा वैसे कैसे करें है? गुरु जी का बात नहीं सुनते है गुरु जी, और सोचते डायरेक्ट कृष्ण सेवा करें। गुरु जी कोई जरूरत नहीं, कृष्ण गुरु जी को नहीं। जब तक गुरु जी के अनुगत नहीं करें कृष्ण सेवा कभी हो ही नहीं सकता है। श्री गुरुपाद कहते चार गुरु दास्य वा सेवा करें तराई प्रकृत वैष्णव और प्रकृत शिष्य आर बादवादी सकल अहंकार विगुणात्मा। कहते जो व्यक्ति गुरु जी का दास्य गुरु जी की सेवा करते हैं वास्तव रूप में कोई वैष्णव है और वास्तव रूप में कोई शिष्य है और जितने लोग है कौन है कहते अहंकार विगुणात्मा केवल ये अहंकार करने वाले हैं। इसलिए सोचा कथा है भोगी हवार वासना कहता अगर सीधा सीधा बात बोलोगे ना ये कौन है ये सब के सब श्री भोगी है ये त्यागी नहीं ये सब के सब ये भोगी है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कहते वास्तव शिष्य कौन है वास्तव शिष्य कौन है बोले यही लोग ही गुरु जी की वास्तव शिष्य है। इसलिए प्रभुपाद की जय बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरी हरी बोल।